Today we are going to discuss about the reaction of HNO3 with less reactive metal like as copper, silver or Hg. ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं इसकी कि less reactive metal है, इन less reactive metal की अगर reaction किसके साथ होगी, HNO3 के साथ, तो उसमें भी dilute और concentrated दोनों देखेंगे किस तरह से बात कर रहे हैं. देखिए, हमें पता है कि जब metal की कोई भी reaction होगी, और मेटल भी कौन सी होगी हमारे पास आज, लेस रिएक्टिव. ठीक है ना, इसका जरूर ध्यान रखेंगे भाई. लेस रिएक्टिव मेटल की जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो ये फॉर्म करेगा मेटल का ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा. इसके अलावा ये हो सकता है NO2 या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, इन दोनों में से प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करें. यानी जब भी मैं लेस रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास मेटलिक ऑक्साइड्स बनेंगे, इसका पहले ध्यान रखेंगे. फर्दर यही जो मेटलिक ऑक्साइड है, यानी मेटल ऑक्साइड, ये फर्दर एसिड से रिएक्शन करेंगे दोबारा से. ठीक है, और किस में कन्वर्ट होंगे, मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट होंगे. ठीक है, यहाँ तक ये बात आज सीख दी अपने को. तो इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कॉपर का ले लेता हूँ. तो हमें पता है जब कंसंट्रेटेड HNO3 अगर मेरे पास होगा तो उसकी रिएक्शन देखिए, कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, कॉपर के साथ. तो सबसे पहले HNO3 ब्रेक होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. देखो ये आपको वेल नोन आती है, सभी ने पढ़ा हुआ है. लेकिन फर्दर कॉपर की रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ होगी तो यहाँ पे सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड बनेगा भैया. यही कॉपर ऑक्साइड, देखो जो लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड की फर्दर अब रिएक्शन किससे हो जाएगी, HNO3 से. तो फॉर्मेशन किसका होगा, कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, Cu होल ट्वाइस NO3 का हो गया. ठीक है ना, कॉपर नाइट्रेट हल्का सा ग्रीन कलर का होता है, जैसे तांबे पे हम देखते हैं कि लोटा पीतल का अपना जो बर्तन है, जैसे तांबे के बर्तन है, उन पे ये लेयर हो जाती है ना, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है हल्का सा ग्रीन कलर का. फिर इसको साफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, नींबू से साफ करते हैं ना, हट जाता है. उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे. बेसिकली रिएक्शन ये है आपकी, इसको ओवरऑल चेक कर लेते हैं. देखिए नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन काम में आ जाएगा, तो इसको तो मैं लिखूंगा नहीं. फर्दर इस रिएक्शन को ऐसे कैसे लिख दीजिए आप लोग कि वी आर 2 मोल ये और 2 ये, यानी 4 मोल, यानी कॉपर की रिएक्शन हुई, कॉपर ऑक्साइड्स, कॉपर कंज्यूम हो गया, तो कॉपर की रिएक्शन कितने मोल है अपने पास, सिर्फ कॉपर है, और इसकी 4 मोल ऑफ HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है. फर्दर इससे क्या मिल गया, कॉपर नाइट्रेट मिल गया, और कितने मोल वाटर के, आपको दिख रहा होगा 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स के प्लस 2 NO2, इनका फॉर्मेशन हो जाता है. ये एक रिएक्शन थी, जैसा मैंने कॉपर के साथ रिएक्शन में पढ़ा है वैसे ही रिएक्शन आपकी सिल्वर के साथ होगी, वैसे रिएक्शन आपकी HG के साथ होगी, मरकरी के साथ होगी. ठीक है ना, अब यहाँ तक हमारे को ये याद रखना पड़ेगा, मेटलिक ऑक्साइड फर्दर मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा. ठीक है, अब ये कंसंट्रेटेड के साथ थी, अब मैं इसी रिएक्शन को डाइल्यूट में करना चाहूँ तो देखिए किस तरह से चेंज करेंगे. डाइल्यूट के लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, एग्जांपल यानी कि फॉर डाइल्यूट है ना. अब मैं क्या करता हूँ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लेता हूँ. तो हमें पता है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, ये किस में टूटेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के अंदर टूटेगा. ठीक है, और यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, कितने, 3 नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा. तो यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन जब इसके साथ कंबाइन होंगे कॉपर के साथ, तो यहाँ पे भी कॉपर ऑक्साइड बनेगा, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्दर कॉपर ऑक्साइड की HNO3 से रिएक्शन हो रही है, क्योंकि HNO3 अब क्या अपने पास डायल्यूट. तो आपका आंसर क्या चेंज हुआ, एक तो ये चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो रही है, 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, ये बाहर चली गई. ठीक है ना, और इसके अलावा
चेक कर लेते हैं। हमारे पास देखिए कॉपर है 3, तो यहाँ पे 3 कॉपर लिखने पड़ेंगे। कॉपर ऑक्साइड से हट गया, HNO3 हमारे पास वही 4 मोल रहे, कॉपर नाइट्रेट बना, उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स अपने पास कितने वही 2 रहे और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी। यानी जो चेंज हुआ था वो मैंने बता दिया आपको। तो ये चेंज होगा बेसिकली ये डायल्यूट की फॉर्म में, जो रिएक्शन है ना वो ये डायल्यूट की फॉर्म में आ गई, ठीक है, ये चेंज होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, देखो इन रिएक्शंस के बेस पे काम चलता है। जब मैं कंसंट्रेटेड की बात करता हूँ तो NO2 गैस बाहर निकालेंगे, ठीक है, और जब मैं डायल्यूट की बात कर रहा होता हूँ तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को लिब्रेट करना होता है फर्दर इस रिएक्शन को पार्टिसिपेट करने के लिए। आगे रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद प्लैटिनम या गोल्ड, यानी कि अब HNO3 की रिएक्शन हम प्लैटिनम या गोल्ड के साथ करके देखते हैं। अगर मेरे पास HNO3 है, ठीक है ना, डायल्यूट, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब चाहे कंसंट्रेटेड भी है तो HNO3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हम बात करें नोबल मेटल, यानी जो इनर्ट मेटल होती है जैसे प्लैटिनम और गोल्ड, इनकी रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब ये नॉर्मली तो रिएक्शन में नहीं जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, 3 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 रेशियो 1 मोल इसका कंसंट्रेटेड HNO3 का, ठीक है ना, इनका सॉल्यूशन लिया जाता है, ये भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगे। तो इस सॉल्यूशन को बोला जाता है एक्वा रेजिया, यानी कि एक्वा रेजिया बोला जाएगा, ठीक है। इसके साथ मेटल, अब ये आपकी जो प्लैटिनम मेटल है और गोल्ड मेटल है ये इजीली डिजोल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। इनको देखिए किस तरह से होंगी रिएक्शंस में, देखिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले 3 मोल ऑफ HCl है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड का, और इसके साथ साथ 2 मोल ऑफ वाटर प्लस एक नेसेंट क्लोरीन, यानी कि हम बात करें नेसेंट क्लोराइड एटम है, इनको फ्री करेगा, नेसेंट को फ्री करेगा, नेसेंट जैसे ऑक्सीजन एटम लिब्रेट हो रहे थे यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे क्लोरीन नेसेंट फॉर्म में डेवलप होते हैं, क्योंकि आगे काम इन्हीं का होगा भैया। लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसे हमारे पास मेटल है, ठीक है, गोल्ड मेटल है, गोल्ड मेटल ले ली, तो गोल्ड मेटल की रिएक्शन अगर मैं उस नेसेंट क्लोरीन के साथ करवाऊँगा तो हमें जो रिएक्शन मिलती है उसकी बात कर रहे होते हैं कि ये तो एक तो हमने लिया 3 मोल एटलीस्ट काम में आएंगे, तो ये किसका मिल गया, AuCl3 ये मिल जाता है। लेकिन अगर मैंने मेटल प्लैटिनम ले ली तो प्लैटिनम के लिए 4 मोल ऑफ नेसेंट क्लोराइड एटम चाहिएंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, प्लैटिनम क्लोराइड, ठीक है ना, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेज होता है, ये बन गया अपने पास AuCl, यानी कि ऑरिक क्लोराइड और प्लैटिनिक क्लोराइड, इनका फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में ले ली जाए, अगर एक्सेस अमाउंट में ले लिया गया, एक्सेस अमाउंट में अगर HCl ले लिया गया तो क्या होता है, मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल डिजोल्विंग फॉर्म में आ जाता है। यानी कि अगर मैं इसकी फर्दर HCl की एक्वस अमाउंट में रिएक्शन करवाऊँ, HCl ले लिया कंसनट्रेटरी है लेकिन एक्सेस अमाउंट के अंदर हमने अमाउंट ले ली, तो ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है फर्दर AuCl3 AuCl4, ठीक है ना, ओरोक्लोरिक एसिड बोलेंगे इसको। प्लैटिनम के केस में यहाँ पे 2 मोल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो 2 मोल HCl मिलके फॉर्मेशन किसका करेंगे, ये भी प्लैटिनम मेटल के साथ PtCl6, ठीक है ना, 2 मोल के साथ। यानी कि हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे वो कंपाउंड कौन से कहलाएंगे, फर्दर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हैं ये आपके डिजोल्विंग फॉर्म में होंगे। रिएक्शन का क्विक रिवीजन हम किस तरह से याद रखेंगे, ठीक है ना। देखो दो बातें की थी कि भैया मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो तो इनकी रिएक्टिविटी किस तरह से देखी जाएगी। अब चाहे डायल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, तो सबसे पहले देखिए कंसंट्रेटेड HNO3 जो है ना ये ब्रेक होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, प्लस 2 मोल ऑफ NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन 1। लेकिन मैं इसकी जगह पे डायल्यूट ले लूँगा तो ये मिलता है NO3
वाटर मॉलिक्यूल से लिबरेट होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस लिबरेट होगी और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये लिबरेट होंगे। ये बातें हुई थी। अब बात करें कि रिएक्शन कैसे करेंगे। रिएक्शन दो तरह से हो सकती है भाई, हमने दोनों, ये क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा। अब मेरे पास मेटल की रिएक्शन होगी, ठीक है, मेटल की अगर रिएक्शन होगी तो मेटल सबसे पहले HNO3 के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करेंगी मेटल नाइट्रेट का। ये कब है, जब रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल, देखो हम स्टडी कर चुके हैं रिएक्टिव मेटल, जैसे यहाँ पे क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया आपका, ठीक है ना, इस तरह से, और हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। फर्दर यही जो हाइड्रोजन है ये फर्दर HNO3 के साथ रिडक्शन प्रोसेस के अंदर जाएगा और यहाँ से फॉर्म करता है नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब मैं बोलूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी बन सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है, अमोनिया मॉलिक्यूल से मिल सकता है, अमोनियम नाइट्रेट भी मिल सकता है। यानी वो बात होगी कि इसमें कि H+ तो जोड़ेंगे और इसमें एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, और ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं, और ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे और मेटल की नेचर पर। यानी इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो मेटल की नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, और कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा क्योंकि डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड, इनकी बात मैं पहले कर चुका, और कंसंट्रेटेड ऑफ द HNO3। बेसिकली ये बात हुई, ये कब है, ये तो रिएक्टिव मेटल है तब, और आज हमने क्या पढ़ा, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसका क्या कंसेप्ट था, यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल जो होंगी उनमें सबसे पहले मेटल का एसिड के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये मेटलिक ऑक्साइड्स मिलेगा, मेटलिक ऑक्साइड्स फर्दर एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट, मेटल का नाइट्रेट लिबरेट करती है। ये रिएक्शन तब है जब मेटल मोर रिएक्टिव है तब, ठीक है, और ये कब है, जब ये लेस रिएक्टिव मेटल है तब, जैसे आपके पास अभी बात की हमने, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकती है, HG मरकरी हो सकती है। यानी कि हम रिएक्टिव मेटल्स के साथ तो पहले हाइड्रोजन लिबरेट होती है, इनके साथ हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होती, ये मेटलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे और उसके बाद फर्दर किस में कन्वर्ट होंगे, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होंगे। बेसिकली ये हमारे पास जो एक फिनोमिना बनता है वो नाइट्रिक एसिड्स की रिएक्शंस का है। इसी के साथ हमारा ग्रुप नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईजिली बाय द वीडियो लेक्चर, ठीक है।